इस वक्त हम मौजूद हैं कीड़िया गंडियाल की गौशाला में। यहाँ पे काफी सहयोग रहता है पुलिस प्रशासन व स्थानीय लोगों का। बात करें तो पिछले 3 महीनों में कठुआ पुलिस ने पशु तस्करों के जाल से जो है वो लगभग 1000 के ऊपर जो है ये मवेशी मुक्त करवाए हैं। मैं आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये गौशाला है, और मैं ये बात कह देना चाहता हूँ कि कई पुलिस ऑफिसर, अगर बात करें SSP कठुआ की शिवदीप सिंह जम्वाल की बात करें, तो वो हमेशा यहाँ पर जो है वो यहाँ पे आते रहते हैं। और बात करें स्थानीय लोगों का सहयोग रहता है, पुलिस प्रशासन का सहयोग रहता है इसे इस गौशाला को चलाने के लिए, क्योंकि रोज जो है वो पशु तस्कर जो हैं उनके जाल से पशुओं को छुड़ाया जाता है और इस गौशाला में लाया जाता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जिस तरीके से यहाँ पर एक ट्राली जो है वो आ चुकी है, और ट्राली के जरिए स्थानीय लोगों के माध्यम से एक बरसीन की बहुत बड़ी ट्राली है, और ये ट्राली है और ये हरा चारा जो है वो इस वक्त यहाँ पे ये मवेशी यहाँ पर खा रहे हैं। ये तस्वीरें जो है वो आप देख रहे हैं, ये स्थानीय लोग यहाँ पर ये ट्राली पूरी भरकर लाए थे हरे चारे की, और पूरी व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की जाती है। ये तस्वीरें जो है वो आपको साफ नजर आएंगी। ये आप देख रहे हैं शेड बन चुके हैं इन मवेशियों के लिए, धूप से बचने के लिए पानी की व्यवस्था की गई है। ये इस वक्त जो है सूखा भूसा जो है वो भी डाला गया है, हरा चारा जो है वो भी डाला गया है। बड़ी पुण्य का काम है जो लोग जो है इस यहाँ पर आके पुण्य का काम करते हैं। हमने कई बार देखा है कि ऐसे लोग जो हमेशा गौशाला में आते हैं और यहाँ पर जो है हरे चारे की व्यवस्था करते हैं, कुछ ना कुछ दान जो है हमेशा करके जा रहे हैं। हमने ये भी देखा है कि बड़े बड़े ट्राले जो हैं वो भूसे के यहाँ पर लाए जाते हैं, क्योंकि इन ये गौशाला जो है वो सुचारू रूप से चल सके। फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ी गौशाला जो कीड़िया गंडियाल में है, गोदाम है, और यहाँ पे सभी मवेशी जो हैं वो लाए जाते हैं और इनकी सेवा की जाती है। बात करें, मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा कि आप इस गौशाला के लिए कुछ सहयोग करें। कहते हैं दान से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, दान हमेशा जो है वो करना चाहिए। कठुआ स्टार की टीम भी ये कहती है, अगर प्रशासन की तरफ से बात करें तो हमेशा सहयोग लोगों का बना रहता है। फिर भी बात करें तो गौशाला चलाने के लिए काफ़ी सारा खर्चा जो है वो आता है, जो यहाँ की पुलिस प्रशासन व स्थानीय लोग उठाते हैं। कई लोग यहाँ पर दान करने के लिए आते हैं, और आज यही मकसद था कि कठुआ स्टार की टीम यहाँ पर पहुँची और यहाँ पर देखे कि किस तरह से गौशाला जो है वो चलाई जा रही है। और आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं, आपने देखा जिस तरीके से एक बहुत बड़ी ट्राली जो है वो यहाँ पर हरा चारे की ये ट्राली यहाँ पर आई हुई थी, और इस वक्त ये ट्राली देख रही पूरे यहाँ पर घूम के, ये ट्राली यहाँ पर हरे चारे की व्यवस्था जो यहाँ के ये लोग हैं यहाँ पर, ये पूरे हरे चारे की व्यवस्था यहाँ पर जो है वो करते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो पशु तस्करों से जो मवेशी मुक्त करवाए जाते हैं, और आज भी पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है, 2 जगहों पर जो है वो पशु तस्करों से मवेशी मुक्त करवाए हैं। यहाँ कई बार हम देखते हैं शहरों में गाय रखने की व्यवस्था जो है वो नहीं होती है, वो लोग कहाँ हरा चारा डालेंगे, कहाँ दान करेंगे, गौ माता की सेवा कहाँ करेंगे। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने गौ माता की सेवा करनी है तो वो कीड़िया गंडियाल गोदाम में पहुँचे, यहाँ गौशाला में पहुँचे, वो यहाँ पर आके कुछ ना कुछ दान करेंगे और अपने पुण्य का बागी जो है वो जरूर बने। कठुआ स्टार से मनीष खजूरिया, कैमरामैन साहिल के साथ, धन्यवाद।